ये दुनिया एक रंगमंच है और हम महज उसके किरदार, जिनका आना और जाना पहले से ही तय है। एक आदमी अपने जीवन में कई किरदार निभाता है, बिल्कुल आपकी तरह। बाबा, मेरा जीवन आपके किताब से निकला हुआ एक पन्ना है जो अब खुद एक किताब बन गया है। मुझे पता है आप सबसे अमीर, सबसे समझदार, सबसे मशहूर नहीं थे, लेकिन जिंदगी आपके कानों में कुछ ऐसा बोल गई जो वो सबको नहीं कहती। अपना झोला तो लेते जाओ बेटा। ये नहीं बोल है। अरे यार, ये लो। ये नहीं बोल है। मेरा हाँ? है। आपके हाथ में। मेरे हाथ में कौन? आपके हाथ में। ओहो, हाँ, ये लो। ये वाला नहीं बोल है। यार कभी कहते हो इधर, कभी कहते हो इधर, किधर है? आपके हाथ में। इधर। ओह, गड़ो। ये लो। ये वाला नहीं बोल है। फिर से। तो पानी पी लूँ? हाँ। प्यास लगी है। अब क्या? बोल दूं? नहीं। बोल दूं? पानी गिर जाएगा। गिर जाएगा? हाँ। गिर जाएगा? हाँ, गिर जाएगा। गिर जाएगा? गिरा? नहीं गिरा। क्यों? कैसे? ये लो। अच्छा, कल देर नहीं होनी चाहिए। आज की तरह टाइम पे आना है कल, ठीक है? हम लोग हैं। नीचे। एक बार और करके बताता हूँ। चलो अच्छा वाह। बहुत बढ़िया करता है यार तुम। बस सर, ये गमछा हवा में कैसे था? ऐसे ही कर ले। अरे फिर से दिखाओ ना यार एक बार। अरे नहीं, ठीक है। कैसे कर लेते हो यार? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही सर्कस में थे ना। तुम सर्कस में थे? जी। जोकर जोकर ही रहता। नाम क्या है तुम्हारा? राम सिंह। चिंटू, तुम कोई नया काम ढूंढ लो अब। क्यों, क्या हुआ बाबा? आज कितनी गलतियां की है?
कहाँ गलतियाँ की? अरे अपनी अम्मा से पूछ लो, स्माइल रखी? नहीं रखी तो थी। टाइमिंग थी? नहीं वो भी थी। एनर्जी थी? बिल्कुल नहीं रखी थी बाबा। अरे अब कोई कितना सिखाएगा यार, तो सोच रहे हैं नए चिंटू का बंदोबस्त कर लें। बाबा हम और ट्रेनिंग। अरे छोड़ो यार, 6 महीने में तुम्हारी अम्मा एक और चिंटू लेके आएंगी, उसे भी तो ट्रेनिंग यही देगा। अरे हाँ फंस गए हम तो। क्यों चिंटू दोगे ट्रेनिंग छोटे चार्ली को? कैसा बच्चा? बाबा अम्मा ने बोला आज रात का खाना हमारे साथ खाना, आज कुछ अच्छा बन रहा है। वो क्यों भाई? वो नवीन अंकल आए ना। अच्छा बाबा ये आवाज किसमें से आती है, इसमें से या इसमें से? आवाज दरअसल बेटा यहाँ से आती है, जादू बजाने वाले के भीतर होता है, वायलिन में नहीं, समझा? वो वे ये आई एम ग्लैड यू गाइस आर हियर रियली। तो क्या सोचा है कभी से चार्ज लेने का? सर्कस को अभी नया आइडिया की जरूरत है, न्यू एनर्जी, अंडरस्टैंड? मैंने अभी 2-3 इंटरनेशनल सर्कस का फॉर्मेट देखा यूट्यूब के ऊपर, एकदम मस्का, एसी टेंट, न्यू एक्ट, सुपर परफॉर्मेंसेस, एकदम एक्सीलेंट। नवीन कमिंग। अरे सुनिए, आपको यहाँ साफ सफाई करने के लिए नहीं बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया। साफ सफाई के लिए नमस्ते नमस्ते, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जैंगो सर्कस। मम्मा जैंगो सर्कस को हिंदुस्तान के सबसे बेहतर सर्कस में से एक अगर बना पाई हैं तो आप सबके साथ की वजह से। और अब मॉम चाहती हैं कि जो साथ आपने आज तक उनको दिया है आगे चल के आप उनके बच्चों को दें, ताकि हम ये सर्कस को आगे बढ़ा सकें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि सैडली आज के दौर में द सर्कस इज डाइंग। फिल्में, DVD, इंटरनेट, TV, मोबाइल फोन्स, इन सब चीज़ों ने सर्कस को रिप्लेस कर दिया है। और सर्कस की ऑडियंस तो कम हो ही रही है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इसीलिए बहुत सोचने के बाद मैंने मॉम और हम सब ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि हम सर्कस को बंद करने वाले हैं। राइट मॉम? आई अंडरस्टैंड कि ये सर्कस आपकी रोजी रोटी से ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड, ये सर्कस आपका घर भी है, लेकिन आपको भी समझना चाहिए हम प्रॉफिट में नहीं, हम लॉस में जा रहे हैं, और अब हमारी फैमिली ये नुकसान और नहीं उठा सकती। पर बावजूद इसके
कि हम एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, हम एम्प्लॉइज की राइट्स को भी अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए हम आप सबको 3 महीने की सैलरी एडवांस में देने वाले। अब आप लोगों के साथ के लिए इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है, ये आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। खुश लग रहे हैं ना, 3 महीने की पगार जो मिल रही है बिना काम किए। पता नहीं चाली ने अभी तक पैसे क्यों नहीं लिए, बेवकूफ रिहर्सल कर रहा है, पता तो है सर्कस बंद हो गया। आर्टिस्ट का रियाज और मुल्ला की नमाज सेम होता है, मस्जिद टूट गई तो नमाज थोड़ा छूट सकता है। चार्ली आ बैठ। नहीं नहीं अरे लेना। अरे हम कहाँ लेते, पहचाना ऑस्कर साहब? अगर ये आज यहाँ होता तो सर्कस ना बंद होता। याद है एक बार तूने जिद पकड़ ली थी कि मेरे को खुद का सर्कस चाहिए, और तेरे पापा ने कहा कि सारा सर्कस तो तेरा है। 2 हफ्ते तक तू इधर मेरी कुर्सी पर बैठा और मैं बाहर। याद है? याद है? जब बच्चे के पैर में माँ बाप का जूता फिट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बच्चे का पैर माँ बाप से ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये सर्कस ने बहुत कुछ दिया मेरे को, रुपया, शोहरत, ऑस्कर, तुम सब लोग, वन बिग फैमिली है ना, और अब सब फिनिश। कैसा स्टार्ट किया सर्कस मेरे को ही मालूम है, तेरा बाप पहला आदमी था जिसको मैंने काम पर रखा। काम पर क्या रखा, इट वॉज लाइक अ फ्रेंड। मैं बोली उसको पार्टनर बन जा, बोला मैं आर्टिस्ट है, धंधा करेगा तो आर्टिस्ट मर जाएगा। उसके जैसा आदमी कभी मिला नहीं वापस। He was the first man जिसको मैंने पगार दिया, और अभी उसके बेटे को आखिरी पगार दिया। अरे रख ले, आगे का लाइफ इतना आसान नहीं है। इधर तू कुछ भी गुलाटी नहीं खाया जो बाहर खाना पड़ेगा, और वो भी बिना सेफ्टी नेट के। ये तो बहुत छोटा सर्कस था, बाहर इससे बड़ा सर्कस है। आगे का क्या सोचा, इधर ही कुछ करेगा कि गांव वापस? पापा तो गांव छोड़ के आए थे, वापस कैसे जाएं? यहीं कुछ करेंगे। मेरे को मालूम है तू अपना सर्कस खोलेगा, और मैं चाहती हूँ तू ऐसा करे। तू मेरा वो वाला बेटा है जो कभी था ही नहीं। मास्टर जी से कुछ मांगे क्या? बोलना। हम हमारा चार्ली वाला कॉस्ट्यूम ले जा सकते हैं। तेरा कॉस्ट्यूम नहीं है रे, तेरा चमड़ी है, उसके बगैर कैसे जाएगा? शहर में करने आपका मनोरंजन, इंडिया का सर्कस नंबर 1।
₹1000 हफ्ते का, चाहे दो दिन रहो, पेमेंट पूरे हफ्ते का ही करना पड़ेगा। कुछ कम नहीं हो सकता? होता तो 1500 है, पहचान से आयो तब करके 1000 मांग रहे हैं। 400-500 में हो जाता तो। यहाँ रह लेंगे, खुला है पर 400 में निपट जाएगा। यहाँ कैसे रह सकते हैं? नहीं रह लेंगे, कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है, कब तक रहेंगे यहाँ पे? अब थोड़े दिन, एडवांस दिन। अभी ₹500 चलेंगे, बाकी का बाद में दे देंगे। नाम? चार्ली। राम सिंह, सर्कस में थे ना, सब चार्ली बुलाते। जोकर? क्या देख रहे? बड़ा वाला सर्कस, कल से सर्कस के अंदर जाना है। देखो राम सिंह, हमारा सर्कस एक से एक आइटम से एकदम फुल है, कोई जगह है ही नहीं। भाई चार्ली को तो लोग टीवी पे भी देख लेते हैं, लेकिन हमारा आइटम सिर्फ इधर देखने को मिलता है। मैं सब देखी ना, जरा कुछ हो जाता तो जोकर का काम कर लेगा। चार्ली भी तो जोकर ही है। अरे नहीं साहब, चार्ली जोकर नहीं है, पर जोकर का काम कर लेंगे, हमने किया पहले। अच्छा ठीक है, हमारा मेन जोकर, उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है। अंदर रिहर्सल हो रही है, तुम अंदर जाओ पर हमारा नाम बोल दो, हम 2 मिनट में आते हैं। हाँ, तो फटाफट भाग के आएगा, बॉल उठाएगा, ये तेरे को फटाक मारेगा, भागेगा, परफेक्ट, और उसके बाद देना अपन। अरे चार्ली सर, आप इधर मतलब कैसे हैं आप? और यहाँ पर सर, सॉरी सर, मैं आपको देख के मैं इतना खुश हो गया ना सर। अरे मालूम है कौन है ये? ये मेरा गुरु है, चार्ली सर। मैं जो भी सीखा है ना, सब चार्ली सर से। अरे मैं तो घर बार छोड़ के निकल गया था,
ये सर है जिन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के चलना सिखाया, मेरे को गुलाटी मारना सिखाया, वो बोलते ना कॉमेडी में टाइमिंग, ये सर सिखाया मेरे को, यही चीज जिन्होंने मेरे को इंसान से जोकर बनाया। और इनका चार्ली रूप अगर तुम लोग ने देख लिया तो पागल हो जाओगे, सब बोलते हैं इनके जैसा चार्ली सिर्फ एक आदमी कर सकता था, खुद चार्ली। एक बार पता है मैं बोला मेरे से नहीं होगा, मैं स्टेज पे जाने से मना कर दिया, मैनेजर साहब भड़क गए, लेकिन सर ने बोला मेरे को तेरे पे भरोसा है तू करेगा। मेरे को टेंशन हो रहा था, मैं रोने जैसा हो रहा था, सर बोले तू रो, पर मैं बहुत रोया, लेकिन उसके बाद में मस्त परफॉर्म किया, तभी मेरे को समझ में आया ये आदमी किसी को भी कुछ भी सिखा सकता। मेरे लिए रघुनाथ अंकल ने दिया, हम गए थे आज उसको मिलने सर्कस में, है? वो हेड क्लाउन बन गया है, बहुत खुश है मुझसे आज मिलके, साथी चौड़ा हो गया हमारा, पर उसको बताया नहीं कि हम उसके अंडर ही काम करने गए थे, हमको मालूम है वो अपना कुर्सी छोड़ के अपनी जगह हमको दे देता, इतना तो जानते हैं उसको, हम उसे झूठ बोले कि बस ऐसे ही मिलने आ गए थे, ये आखिरी सर्कस था, पता नहीं क्या होगा, होगा सब ठीक होगा, क्यों चिंटू? अब जो है एक तर देखा था उसका परफ्यूम, क्या क्या थी, क्या क्या थी एक बार ए कितना छोटा है तू, तू को कच्चे में तोड़ लिया एक बार वो हो गया, एक बार करना बाबा एक बार यार, मतलब आप चलो एक बार रख ले बहुत मजा आया हाँ बस अभी पहुंचा, हाँ हाँ बस नहा धो के फोन करता हूँ। यहाँ क्या कर रहा है अकेला? बस देख रहा हूँ। नाम क्या है तेरा? चिंटू। चिंटू बड़ा अच्छा नाम है, टॉपिक आएगा? रुक ले क्या आता, अच्छा देख कितनी सारी टॉफीज है, सब तेरे लिए, आजा ले, घबरा मत, ले 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 चॉकलेट। मैं बस टॉफीज है ना चिंटू,
बेटा घर जाओ। बड़ा क्या प्यारा बच्चा। एक काम मिला है सिलाई का, सोच रहे हैं करने। वैसे भी पैसे की जरूरत है, अब नहीं किया तो बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो तुम पैसे कमाओगे, हम लायक नहीं रहे। वैसे चिंटू को भी बिठा देना चाय की दुकान पे। तुम दोनों काम करो ना, हम बैठ के ऐश करेंगे। हमारा वो मतलब नहीं। हम सब समझते हैं तुम्हारा क्या मतलब था। मोटी अकल है तुम्हारी, क्या बोल जाते हैं गुस्से में खुद ही समझ में नहीं आता। मेरी एक बात मानोगे, हमको पता है थोड़ा मुश्किल चल रहा है, पर हमको थोड़ा समय और चाहिए। अगर ये आने वाला नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, पर इस वक्त समझदारी इसी में है कि तुम सारा पैसा लेकर गांव चले जाओ। अपना ख्याल रखो, चिंटू का ख्याल रखो, और छोटे चार्ली को लेकर जल्दी से वापस आ जाओ। वादा करते हैं तब तक सब ठीक कर देंगे। कुछ महीनों की तो बात है। बोला राम सिंह चार्ली। चार्ली यही तो, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट आर्टिस्ट। आप लोग अपना करेक्टर को लिप करता है बिल्कुल। आई लाइक आर्टिस्ट। बताइए ना क्या करना होगा। ये देखता है, समझता है, अंडरस्टैंडिंग। दिस इज चिकेट, क्रिकेट विथ चिकन्स। ये क्या है? कॉस्ट्यूम, आपका कॉस्ट्यूम। इसको पहनना है, बच्चा लोग के बीच में जाना है, क्रिकेट खेलना है। इसमें तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। टैलेंट दिखेगा ना आपका, टैलेंट। कलाकार को क्या चाहिए? पर ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए आर्टिस्ट की क्या जरूरत है? बॉडी लैंग्वेज, मुर्गी का बॉडी लैंग्वेज। एक सच्चा कलाकार आपका जैसा कलाकार समझता है। देखो, आप चार्ली प्ले करता है, वैसे चिकन प्ले करेगा। एक कॉस्ट्यूम बेजान है तो इसका अंदर जान डालेगा आप,
आपका अंदर का सच्चा कलाकार। Trust me, you should do this. नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। आपको 1 month का 15,000 देगा, और वर्किंग डे कितना? 5 days। बाकी क्या? ट्रेनिंग पीरियड है। Trust me, you should do this. हाँ हाँ, पहुंच गए ठीक ठाक से, सब बढ़िया है। अच्छा सुने, आप बुरा ना माने तो एक बात बोले, आपकी पेटी में कुछ पैसे रखे हैं, ले लीजिएगा। अच्छा हुआ छोड़ दिए हैं, यहाँ बहुत मुसीबत आ गई है। नौकरी भी मिल गई है और पगार 15,000। क्या क्या बोले? 15,000? उनको दिए क्या? नहीं, चिंटू को। मुर्गी लो, अंडा दो। आपको पता है ये जो कॉस्ट्यूम आप पहना है ये बहुत ज्यादा महंगा है, दिस इज टू कॉस्टली। एक बार इस कॉस्ट्यूम को पहना और फील्ड में उतरा, उसका बाद नो रिमूविंग ऑफ योर हेड एंड नो टॉकिंग इन पानी, बिकॉज बच्चा लोग को ये लगता है कि आप सचमुच का मुर्गी है, आप सचमुच का चिकन है, जेनी द हेन है। और जब भी आप अपना हेड को ऐसे खोला चाहे बातचीत किया और बच्चा लोग को लगा है ये तो मुर्गी नहीं है, आदमी है, तो सोचो हमारा ब्रांड का इमेज क्या होगा। क्या नाम है तेरा? राम सिंह। और आपका? शाहजहां। मैंने बनाया ताजमहल। शाहजहां क्या कर रहे हो यार तुम? हैं? क्या है? 15 दिन हो गए इनको कॉस्ट्यूम पहन के, ठीक से चलना भी नहीं आता है। इसको देखो, ये 2 दिन पहले आया है, तुम सबसे अच्छा कर रहा है। कुछ सीखो यार इससे तुम। तुम्हें काम करो, तुम चिकलेट का कॉस्ट्यूम पहन लो। राम सिंह, आज से तुम जैनी दें। तू क्या मुर्गी के दड़बे में पैदा हुआ था क्या? कैसे कर लिया इतनी जल्दी? हमसे तो नहीं हो रहा इतना भारी कॉस्ट्यूम पहन के। तूने कैसे कर लिया? बस ऐसे ही कर लिया। आप भी जरा कोशिश करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। वो सर्कस में थे ना, तो शायद इसकी वजह से हो गया। सर्कस में? तू जोकर है क्या? नहीं नहीं नहीं, तू जोकर नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। वाकई में जोकर है तू? अच्छा जोकर है तो कुछ करके दिखा, चल। ओ हो 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 हो। ओफ, क्या माचिस डाली है। नहीं बस ऐसी। जबरदस्त। अब कौन से कारखाने में बना है? एकदम ठा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा तू? सर्कस बंद हो गया ना, तो बीवी बच्चों को गांव भेज दिए। अब जी तोड़ मेहनत करेंगे, पैसा जोड़ेंगे और जब घर हो जाएगा तो सबको वापस बुला लेंगे। और अभी ठिकाना कहाँ तेरा? ढूंढ रहे हैं जगह। समझ, तेरी तलाश खत्म। आजा। अबे चचा, अकेले आदमी के लिए बेहतरीन जगह है। 20 रुपए रोज, चाहो तो 200-200 रुपए दे दो 10-10 दिन में, नो टेंशन। अरे यहाँ जितने भी रहते हैं सब छर रहे हैं अपने। हाँ भाई, यहीं रहेंगे? हाँ। आ जा, तेरा कोना देख ले। दिन में रिक्शा चलाते हैं, रात में आराम से सोते हैं, ठीक है? यहीं सेट हो जा तू, ठीक है? चल मैं निकलता हूँ। आप यहाँ नहीं रहते? अरे मैं इधर रुक गया तो ताजमहल में मुमताज अकेली नहीं हो जाएगी। चल। Oh,
हमारा पेमेंट के लिए मेरे पास साहब हमें बहुत जोर से प्यास लगी थी। हम लड़कों को इशारा भी किए, हमारे तो देख ही नहीं रहा था। अब आप ही बताएं हम क्या करते। तूने एक काम कर, तू निकल ले यहां से, इससे पहले कि मैनेजर तुझे पीट दे। चुपचाप निकल ले, समझो। साहब हम चले जाएंगे, पर हमारे पैसे। पैसे? तू पागल हो गया है क्या? तेरी इस हरकत की वजह से इस जॉब का आधा पैसा हमको मिलेगा नहीं, और क्लाइंट हाथ से क्या वो अलग। मेरी मान, चुपचाप निकल ले यहां से, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हम आपको याद दिलाना चाह रहे थे कि डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है। आप सुन रहे हैं ना? हमें याद है, हम जल्दी पैसा भिजवाएंगे। पैसा भिजवाइएगा नहीं, खुद आइएगा। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सबसे पहले आपको देखे, आपकी गोद में खेले, आपके जैसा बने। आप हीरो हैं हमारे। हेलो हेलो, हम जल्दी आएंगे। हम मेहनत तो पूरा कर रहे हैं, पर फिर भी इतना पैसा जोड़ नहीं पा रहे। देखे ना, कुछ जुगाड़ हो जाता तो। मेरे जुगाड़ का दूसरा नाम ही छा जाए। करते हैं कुछ। राम जी देखियो, जैनी दहन का झंडा लग रहा है। साजा भाई, मुझे अभी गांव जाना है। तो जा फिर। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, 15 मिनट बस छूटने वाली है। अगर देर तक रिक्शा लेके जाऊंगा तो फिर बस निकल जाएगी ना। और कोई गुम जहाँ पड़ा? नहीं सजा भाई, रिक्शा छोड़ दिएगा ना। जाओ छोड़ दे। देखिए सर, पक्का ना सजा भाई? अबे जा, बोला तो। अच्छा ले, शाहजहां के दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। जी सजा भाई, छोड़ दिया। चल भाई, मैं भी निकलता हूँ यार। ओए, मेरे सामने लिख लियो दोनों का। अरे राम सिंह यार, ये पड़ी लकड़ी उठा और जरा डेरे तक छोड़ दे। सजा भाई, मैंने कभी रिक्शा चलाया नहीं। भाई जब बिना अकल का बैल गाड़ी खींच सकता है तो तू तो समझदार बंदा है यार, छोड़ दे।
घाट पे जाना, घाट पे। अनीस साहब रिक्शा वाले नहीं है, रिक्शा लेके घूर रहा, रिक्शा वाला नहीं है, चमन समझ रहा क्या? अनीस सर चल ना, चल चलना, चलना देरी हो रहा है यार, पैसा देंगे, चल भाई चल 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 चल, आपसे नहीं बनता था, रिक्शा वाले नहीं, चल चल। सच बता रहे, रिक्शा वाले नहीं है। हाँ फिर तेरा नाटक चालू हो गया ना। चले एक बात बताएं, हम भी शाहरुख खान नहीं है। अकेले अकेले क्या चल रहा है? ओ नया फोन, लक्ष्मी जी मेहरबान हो गई लग रहा। चलो इसी बात पे अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर लो। नहीं नहीं पीते मैं मियाँ, थकान दूर हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। सच में हम नहीं पीते। अब ज्यादा नहीं, बस दो छोटे छोटे लवली लवली पैक। कभी नहीं पिए। अब लो यार, लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो, लो। हमारी कसम है, देखो तुम्हें, शाबाश। लो जल्दी लो जल्दी लो। कोई मोहब्बत के नहीं। चलो ये गोल ले लो इसी बात पे। वाह, बलाएं लेने की दिल कर रहा तुम्हारे। रिक्शा, आइए मास्टर जी, हम छोड़ देते हैं। चार्ली, अरे कैसा है चार्ली, ये सब क्या है? हम एकदम बढ़िया मास्टर जी, और ये बस जरूरी था, आइए हम छोड़ देते हैं। नहीं चार्ली, मेरे से नहीं होगा तेरे रिक्शा में बैठना। अरे इतने साल आप हमारा बोझा ढोए हैं, अब हमें भी कुछ मौका दीजिए, आइए। अच्छा चाय पीते? नहीं मास्टर जी, हम चलते हैं। कभी ऐसे ही आ जाया कर, अच्छा लगता है। मास्टर जी आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं, चलते हैं। चार्ली कभी अपना सपना फिर से जीने का मन करे तो आ जाना मेरे पास। कौन सा सपना मास्टर जी? खुद के सर्कस का। गोदाम में अब भी काफी सामान पड़ा है जो मेरे बच्चों के किसी काम का नहीं, शायद तेरे काम आ जाए। सपने और सच्चाई में बहुत फर्क होता है मास्टर जी, ये बात अब हमको समझ में आई है। शुक्रिया।
कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई आज। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। चलो बाकी का पैसा वापस कीजिए। मुझे 50 रुपए ही लगता है। अरे कलकत्ता में नया है क्या बाबू? 50 टका लागबे। आमी रोज एखाने जातायात करी। अरे अरे मैं टाकाटा फेरत दिन। फोने कथा बोलछे कि हलो टाकाटा फेरत दिन। मेरे पास छुट्टे नहीं है। हाँ साहब बाद में ले लेंगे। बाबा छोटा चार्ली तो मैं ही बनूंगा। अरे अम्मा को फोन दो। रतिया रे रतिया रे हाथ जा रे
रतिया रतिया रे ओ हट जा रे रतिया बड़ी अनजानी लगे रतिया रे हट जा रे रतिया ओ दरिया की मछली तू बरखास मत डर डूब डूब खूब पिया रंग भर भर कांच पे अटका है गलवा में अटका है सपना पिया जी तोरा रसता ही भटका है ऐसा लग ओए ओए गोरी अरे बाबा बेटा देखो तो अपना नया घर कैसा लगा हैं जब से आई है अपने बाबा को देखा भी नहीं है हैं कितने खुश हैं आपके बाबा आपको देख के हैं चिंटू से मिल करके आपकी अम्मा हमें देख के खुश नहीं लग रही हैं क्यों ऐसी बात नहीं है आपको इस हालत में देखेंगे सोचा नहीं था अरे एकदम फिटफाट है हम रिक्शा चलाते हैं पैर में मीटर है जितना भागते हैं उतना कमाते हैं अपनी मर्जी के राजा हैं इधर इधर ये देखे आपका चूल्हा चौका बर्तन वर्तन सब आ गया है और चिंटू का स्कूल में दाखिला भी हो गया है हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है और हमारे यहाँ तो लक्ष्मी आई है क्यों हैं होगा ना बाबा का एक रिक्शा से दो रिक्शा से तीन रिक्शा फिर चार रिक्शा अब देखो हम कहां से कहां पहुंचते हैं मैजिशियन कैसा है तू अच्छा बाबा कैसे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं वायलिन बजा रहा हूँ और क्या ये है हमारी नन्ही गुड़िया गौरी गौरी बिल्कुल चार्ली पे गई है एक मिनट अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं आप अरे अरे हमने गुड़िया रानी को पहली बार देखा है ना घर आइए ना कभी बाबा हम आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे एक साथ बैठ कर खाना खाएंगे तुम बैगन का भरता बना देना हम सुनते सुनते पहुंच जाएंगे बुलाने से पहले हमसे पूछ तो लेती हमें लगा आप खुश होंगे अरे खुश तो हैं हम पर अब हो गया ना सर्कस सब अपने अपने काम में लगे हैं कहां फिर से शुरू कर रहे हैं सब पर अब बुला लिया है तो खाना खिला दीजिएगा हम आ गए तो अच्छा नहीं तो हमारी तरफ से माफी मांग लीजिएगा घर बदलते वक्त टूट गई थी इतने साल तक कपड़े के तंबू में रहने के बाद
ईंट की दीवार से बने इन घर में अच्छा तो लगता होगा, है ना? पर कभी कभी हम इन्हें रंगत देते देते अपना कीमती सामान खराब कर लेते हैं। आइए खाना खा लेते हैं बाबा। हाँ, लगता है चार्ली को लौटने में वक्त लगेगा। ऐसे नहीं काय को लगले गोरी नैना कछु लेना न देना काय को लगले गोरी नैना। नमस्ते भाभी। ले जाओ भाई, ले जाओ अंदर, ले जाओ संभाल के। भाभी डांटिएगा मत, आज थोड़ी ज्यादा हो गई। मुझे मालूम है ये पीता नहीं है, लेकिन गम इस कदर था कि घबरा के पी गया। खुशी थोड़ी सी थी, मिला के पी गया। यूं तो न थी जन्म से पीने की आदत, शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गया। मैं बाबा आओ यार, ये सो गए क्या? अच्छा भाभी आते रहेंगे। काय को लगा ले गोरी नैना। क्या हो रहा है ये? बाबा वो हम दोनों का चार्ली वाला कॉस्ट्यूम निकाल। स्कूल में एक फंक्शन है जहाँ बच्चों को अपने बाबा के साथ स्टेज पर कुछ करना है और उसपे प्राइज भी है। वापस रख दो इसे। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं। लेकिन बाबा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें फर्स्ट प्राइज कैसे मिलेगा? ये बाप बोले सुनाई नहीं दिया, वापस रखो इसे। क्या हुआ? हुआ क्या? हम तो हमारे स्कूल फंक्शन के लिए सिर्फ कॉस्ट्यूम निकाल रहे थे। ये बाप बोले नहीं तो नहीं। जब से लौटे हैं देख रहे हैं आप वो नहीं रहे जिसे हम छोड़कर गए थे। क्या चाहती हैं आप? हम लोगों के पास काम के लिए भीख मांगे, गिड़गिड़ाएं, चार्ली हैं हम, हमें काम दे दीजिए, हम चार्ली हैं, काम दे दीजिए हमें। वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसी चार्ली से प्यार करते थे। हीरो रहे हैं आप हमारे, हमेशा चाहते थे हमारे बच्चे आपके जैसे बने, लेकिन अब नहीं। चिंटू स्कूल में परफॉर्म करेगा अकेला। जिनकी डांट से डर लगता है और जब अकेले डर लगे तो उन्हीं का हाथ पकड़ कर लगता है कि सब ठीक है। वो जो घर पर कम रहते हैं पर शाम को जिसके आने का इंतजार करना अच्छा लगता है, वो पापा है मेरे, जो मेरे साथ हर दिन थोड़ा बढ़ रहे हैं। जिनके बाल मेरे पीछे भागते भागते थोड़े सफेद हो गए हैं, वो पापा है मेरे, जो अपना बचपन मेरे साथ जीते हैं, जो मेरे सपनों में अपने सपने ढूंढ लेते हैं, जिनके झूठों में मैं अपने पैर डालकर घूमता हूँ, कभी कभी जिनकी तरह चलने की, दिखने की और बैठने की कोशिश करता हूँ, वो जो हम सबके हीरो हैं, वो पापा है मेरे। वो कहते हैं मैं कुछ भी बन सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जिनके जैसा मैं हूँ, जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, वो पापा है मेरे, वो पापा है मेरे। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं चिंटू सिंह। मां से नहीं हो, कुछ तो करो। क्या दिया? Thank you.
सारी परफॉर्मेंसेस बहुत खूबसूरत थी। और अब टाइम है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बिना किसी शक के फर्स्ट प्राइज जाता है चिंटू सिंह एंड हिज फादर चार्ली। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। एक बार फिर से जोरदार तालियां। खुश हैं हम, ऐसा हम कहते थे लोगों, झूठ कहते थे, पर इतनी चमड़ी उतार के भी कोई खुश रह सकता है क्या? असली खुशी हमें इतने सालों बाद आज मिली है। आपको अंदाजा भी नहीं कितना याद किया हम आपको। बक्से में हम आपको बंद करके रख गए थे और तुम हमारा घुट रहा था आपके बगैर, पर हम लोगों को जाहिर नहीं होने दिए। छुटपन से लोग हमें चार्ली चार्ली ए चार्ली बुलाते थे। राम सिंह कौन है हमें पता ही नहीं था। जब राम सिंह से मिले हमें अच्छा नहीं लगा, मुझे लगता था आप हमारी कमजोरी है, पर आज आपसे मिलके लगा है कि आप तो हमारी ताकत है। आज हमें अपनी खोई हुई हिम्मत वापस मिली है, वो परिवार वापस में गया। अब आप हमें छोड़ के जाइएगा मत, आप रहेंगे पूरी दुनिया से लड़ लेंगे। क्या है? क्या है? अरे अरे बोलो भी, बोलो भी। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ ना, कहाँ जा रहे हो बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? अब ये क्या है, अब ये क्या है? मास्टर जी के पास आज जल्दी घर आ जाएंगे। शुक्रिया राम सिंह को फिर से चार्ली बनाने के लिए।
आपसे मिलने। राम सिंह जी, ओके आप जा सकते। छोटे साहब आप मास्टर जी नहीं आए आज? मुझे लगा तुम्हें पता है इसलिए मिलने आया। मां नहीं रही, वी लॉस्ट हर 2 वीक्स बैक। काफी बीमार रहने लग गई थी सर्कस बंद होने के बाद। हमने सोचा सर्कस बंद होगा, उन्हें कुछ आराम मिलेगा, कुछ स्ट्रेस कम होगा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एनीवे तुम यहां कैसे? मास्टर जी मिली थी कुछ समय पहले, कह रही थी गोडाउन में सर्कस का कुछ सामान पड़ा है। उन्होंने कहा था अगर मुझे जरूरत हो तो मैं ले जा सकता हूँ। तुम क्या करोगे उसका? ना सर्कस खोलेंगे सर। ओके ठीक है, इसी बहाने गोडाउन भी खाली हो जाएगा। मैं यही हूं, तुम जाके देख लो क्या क्या तुम्हारे काम का है। मेरे को मालूम है तू अपना सर्कस खोलेगा और मैं चाहती हूं तू ऐसा करे। तू मेरा वो वाला बेटा है जो कभी था ही नहीं। सर ये रही सामान की लिस्ट। ये सब कब ले जाना चाहते हो साहब? जब आप कहें। ठीक है, सामान ले जाने की अरेंजमेंट करो और इनसे 1.5 लाख का चेक ले लो। साहब राम सिंह ये ज्यादा नहीं है, और कोई होता तो मैं इस सब के 2.5-3 लाख लेता, बट योर फैमिली। मैं पता है मास्टर जी होते तो हमसे सर्कस के सामान का दाम नहीं लगाते। छोटे साहब कह रहे थे कि उन्हें पता नहीं कि मास्टर जी की तबीयत खराब क्यों रहती है। अरे किसी के सांसें बंद कर दोगे तो उसे घुटन नहीं होगी क्या? बचपन से इन्हीं हाथों से तंबू गाड़े हैं हम, सर्कस में पैदा हुए हैं। मछली को तैरना सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब करेंगे हम, सब खुदा ही देख लेना।
1.5 लाख रुपया भी कमाएंगे, तंबू भी गाड़ेंगे, टिकट भी बेचेंगे, परफॉर्म भी करेंगे, सब करेंगे। छोटा ही सही पर सर्कस जरूर बनाएंगे, खुद का सर्कस। आधा सर्कस? मेरे को समझा नहीं। ये भतीजा मेरा फहीम, वो गांव में मेरे भाइयों ने जमीन बेच दी, मेरे हिस्से के पैसे लाया है। मुझे तो जानता तू, मुगलों वाले शौक हैं अपने। ये पैसा उड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं चाहता हूँ इसे तू रख सर्कस के लिए। इन्वेस्टमेंट समझता तू? तेरे ख्वाबों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, और उससे भी कम होते हैं जो उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जो उन्हें पूरा कर पाते हैं ना वो तो चील का मुंह होते हैं, मिलते ही नहीं। भाभी मुझे पता है ये कुछ ऐसा करेगा कि लोग बोलेंगे उफ क्या माचिस डाली है। हेलो मियाँ, और इसे मेरे भतीजे को अपने साथ लगा ले यार, जिंदगी में कुछ कर लेगा, वरना मेरी तरह रोड इंस्पेक्टर ही करता फिरेगा। क्या भाई काम करेगा सर्कस में अपने? आराम से। अरे राम सिंह जी साहब, परसों प्रतिमा का बर्थडे है, बच्चों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम कुछ करो उसमें। मैं? अरे भाई जादू वादू जो तुम करते हो बच्चों को मजा आएगा। जरूर करता साहब, पर काम रुकना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आई विल पे यू 1000 रुपया, ठीक है? यार करेंगे ना साहब, करेंगे। जीने को क्या अड्डा अपना, ठीक है ना? अभी इससे काम चला लेते हैं, बाद में फिर पार्क स्ट्रीट में ऑफिस ले लेंगे। आदत जिंदगी की, हंसती है रोती है होती भी। अच्छे से करना, कल बाबा कोई देख ही नहीं रहे। क्यों? असली आर्टिस्ट सबके लिए नहीं अपने लिए परफॉर्म करता है, तो फिर सब उसे देखते हैं। दगा घुटी घुटी सी तमन्ना, छुपी छुपी सी तमन्ना, आईनों से बात कर सच सच देते हैं बता, तुझ में ही मंजिल तेरी है, रास्ता भी है, बाकी झूठे सब खुदा। डोनाल्ड डक है? नहीं। छोटा भी है ना? तो पोकेमोन, डोरा, जेनी द हैन का चिकलेट चलेगा साहब? जेनी द हैन कार्टून है साहब, बच्चे पगला जाते हैं। अच्छा ठीक है। अरे जेनी द हैन वालों ने पैसे नहीं दिए, मैंने कॉस्ट्यूम रख लिया। लंबी हो रात
लग रहा है क्रिसमस का स्कूल के मैदान में कार्निवल। तो आप समझे नहीं, मेला लग रहा है मेला। बस सिर्फ 5,000। ये तो आप सिर्फ 50% दे रहे हैं। सर आप हमारा 50% माफ कर दीजिए, हम आपके बच्चों को 50% डिस्काउंट दे देंगे टिकट पर। आज है दर बदर ठहरे ठहरे मगर कभी फिर फिरे उड़ जाएंगे। ये जयदेव भाई तेरे लिए छोड़ के चले गए, बोला जब चार्ली आए तो दे देना। ख्वाबों को तू बुन के मंजिल साफ चुन के दे आवाज खुल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्या नाम बताया था आपने? शॉर्ट। आपका भाई साहब कर भाई तुम लोग को देख के ना मुझे एक जोक याद आ गया। सुना था, सुना, हंसना जरूर है। एक बार क्या होता है कि शॉर्ट कट आइटम के पास जाते हैं। अब शॉर्ट साहब का जो है थर्मामीटर तो बुखार बता दे तो कट साहब अपने कमरे में लग गए। अब शॉर्ट साहब जब उस कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तो अंदर से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। एक दो तीन, एक दो तीन। अब कट टू क्या होगा, सुबह सुबह दोनों मिलते हैं आमने सामने। शॉर्ट पूछते भाई कट तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, तू तो रात भर इतना मस्ती किया। शॉर्ट कंफ्यूज। कट बोलता है भाई रात भर कुछ ना कर पाया। बोले क्यों 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 क्यों। कट साहब बोले कि मैं तो रात भर जो है ना बेड पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता तो बेड पर चढ़ने में इतनी कुछ नवीन ने मंगाए क्या पैसे? आज ही आएगा सामान। अरे कहाँ जा रहा है बता तो, पैसे लेके? कट अस्पताल में, उसके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। और सर्कस, दो दिन में सर्कस खड़ा करना है, क्या जवाब देंगे इन्हें जो मेहनत कर रहे हैं? सर्कस बनेगा ना, ये हमारा वादा है। कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे हमें नहीं पता, पर सर्कस जरूर बनाएंगे।
लेकिन इस वक्त कट अस्पताल में, हमें जाना है। सिंह, मैं सर्कस का सामान और अपने गोडाउन में नहीं रख सकता। उस गोडाउन का भाड़ा ही उस सब सामान की कीमत से ज्यादा है। तुमने मुझसे 2 महीने मांगे थे, वो मैंने दे दिए। अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। हाँ, इसके अलावा अगर मुझसे कोई काम हो तो बता देना। सब बचपन का क्या, मैं समझा नहीं। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पिताजी बचपन में कई बार बिना त्योहार के नए कपड़े लाके देते थे, और एक नहीं, एक साथ ढेर सारे शर्ट हम उन्हें पहन के ताव में यहां वहां घुमा करते थे। कई दिन तक हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें पता चला कि दरअसल वो आपके कपड़े थे, आपके पहने हुए, जो मास्टर जी हमारे पिताजी को दिया करती थी। और उससे मेरी खुशी में कोई फर्क नहीं पड़ा। भले वो आपके पहने हुए कपड़े थे, पर मेरे लिए तो नए से भी बढ़कर थे। मैं आज आपसे वही बचपन की शर्ट मांगने आया था। मैं जानता हूं सर्कस के सामान की आपको कोई जरूरत नहीं है, पर मेरी तो जिंदगी है। अगर वो आप हमसे ले लेंगे तो मास्टर जी की तरह हम भी नहीं रहेंगे। Are you trying to say कि माँ को हमने? Get out. नहीं नहीं, हमारा वो मतलब I said leave. आ जाओ शहर में पहली बार चार्ली का एक्ट खुद राम सिंह करेगा। आ जाओ। राम सिंह कहीं ब्लैक ना शुरू हो जाए हमारे सर्कस पे, है ना? पर राम सिंह यार, इतने पैसे आ गए तो रखेंगे कहां हैं? देखिए जरा कितनी भीड़ है, देख। असल में ना गलती मेरी है, मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था तुझ पे। मैं बाप दादाओं की जमीन बेची थी मैंने, जानता ना कहाँ से आए थे पैसे? 92,000। राम सिंह सर्कस चाहिए मुझे भाई, सर्कस एनी हाउ। मैं बता रहा हूँ तुझे, देख बहुत गलत हो जाएगा राम सिंह। इधर देख भाई, इधर देख, कहाँ है सर्कस? कहाँ है सर्कस? कहाँ है? पता क्यों नजर नहीं मिला रहा तू? बेईमान है तू, बेईमान। चार्ली, राम सिंह, मैं तुम्हें सर्कस का सारा सामान भिजवा रहा हूं, वो भी जो तुम्हारी लिस्ट में नहीं था। मैं जानता हूं कि तुम इससे सर्कस को फिर से खड़ा करोगे। ये मैं अपने लिए या तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये मैं मां के लिए कर रहा हूं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो उसका नाम जैंगो सर्कस ही रखना, इससे माँ को बहुत खुशी होगी। नबी, सामान गाड़ी में रखा है।
शाखों से नींदे चुरा के फिर चल पड़ा दिल उम्मीदे जुटा के मिलने लगी नहीं रोशनी जब से सुनी है सुबह की कहानी जगी नई खुदी कहती है जिंदगी हुए शाखों से नींदे चुरा के फिर चल पड़ा दिल उम्मीदें जुटा के मिलने लगी नहीं रोशनी जब से सुनी है सुबह की कहानी जगी नई खुदी कहती है कट लड़ाई हार गया नहीं रहा अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे पर जन्नत की हाफ टिकट बहुत महंगी पड़ गई मेरा सर्कस ही बंद करा दिया था उसने वो तो बलाउन नवील का जिसकी वजह से सर्कस खड़ा तेरे 50,000 चाहिए ना तुझे मैं लौटूंगा तू लौटाएगा कहां से लौटाएगा तू हमसे तनख्वाह लेगा हम ही लौटाएगा बहुत बढ़िया भाई सही जा रहा तू मैं तेरे पैसे जरूर लौटाऊंगा लेकिन तेरे साथ काम नहीं करूंगा चल निकल यहां से तेरे जैसे बौने होने पौने दामों में मिलते हैं चल भाई जा तुमसे पैसे हमने लिए थे और वादा किया था कि तुम्हें सर्कस देंगे केरा सर्कस तुम्हारा सर्कस तुम्हें मुबारक ये जो सर्कस में ना परफॉर्म करने का आप सोचे हमें नहीं पता सही है या गलत हम बस इतना जानते हैं कि सर्कस हमसे नहीं है हम सर्कस से हैं और आप तो पैदा ही सर्कस में परफॉर्म करने के लिए हुए हैं भले शाहजहां गलत हो लेकिन अगले एक हफ्ते के लिए जब तक तंबू गड़ा है अगर आप परफॉर्म करेंगे तो हमें खुशी होगी राम सिंह चार्ली नहीं फहीम चार्ली तू करेगा चार्ली अब ले पहन क्या लगता है इन लोगों को इनके बिना सर्कस नहीं चलेगा हमारा छोड़ के चले गए सब ले ये पहन लग रहा चार्ली तू बस मुझे लगनी और मेकअप होना ये ले अरे चल के दिखा सर मेरा आइडिया नहीं सर तो चचा बोले कि शाम को नहीं आ रहे हो आप और शो तो हो नहीं है किसी भी तरह तो तू चार्ली भाई के साथ रहता तो तू कर ले कसम से सर मेरा आइडिया नहीं था मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ सर मैं तो आपके जैसे दिखने की कोशिश कर रहा था सर चार्ली सर चाचा रुको ना चार्ली सर
चार्ली सर रुको ना। बाबा ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, पूरी दुनिया को ही अपना सर्कस बना लिया। जब तक जिए परफॉर्म करते रहे। बाबा, हर इंसान की तरह आप में भी कमियां थीं, पर अपने बच्चों को आपने सिर्फ अपनी खूबियां दी। मुझे लगता है मैं आप ही की परछाई हूं, जो अंधेरे में भले ही दिखाई ना दे पर होती वही है। आखिर में हम सब अपने माँ बाप की परछाई ही तो बन जाते हैं। जिंदगी की दौड़ में हर कोई नहीं जीतता, फिर भी हर बाप आखिरी दम तक दौड़ता है ताकि अपने बच्चों को उड़ान दे सके। आप मुझसे कहा करते थे, तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे हिस्से का भी हार चुका। मुझे पता है बाबा, राम सिंह बन के जो रिक्शा आपने खींचा था उसमें कोई और नहीं, परिवार था हमारा। और चार्ली, वो आज भी मुझ में जिंदा है, एक नए मंच पर कुछ नए सपने दिए। उसे आज भी ये याद है कि असली आर्टिस्ट सबके लिए नहीं, खुद के लिए परफॉर्म करता है, फिर सब उसे देखते हैं। उनसे करें हम दगा।